ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੋਸਤੋ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲੈ ਗਏ, ਔਰ ਟੈਂਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਪਲੱਸ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲੈ ਗਏ। This is very important that each and every student must be in touch with the aim of life, and aim of life must be followed by the students. Agar ye pata nahi hai vidyarthiyon ko to iske liye mata pita aur jo adhyapak gan hai wo zimmedar hai. Vidyarthiyon ko pata hi nahi hota ki unhone 10th ke baad aur plus 2 ke baad kya karna hai, aur ve ek dusre apne sathi vidyarthiyon ke sath apne sahpathiyon के कहे अनुसार अपने विषयों का चयन कर लेते हैं, और चयन करने के बाद जब बीए कर लेते हैं, प्लस टू कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, तो अब तो सोचते हैं कि अब उन्होंने आगे क्या करना है, और जब पता ही नहीं होता रास्ता क्या करना है तो वो किसी अब प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के लिए, क्योंकि परिवार वाले फिर पैसे की डिमांड करते हैं कि गो एंड अर्न मनी, तो अब उनके पास ये लक्ष्य जो उन्होंने सोचा ही नहीं था वो काम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आई वुड लाइक टू एडवाइज द स्टूडेंट्स दैट दे मस्ट चूज एंड अडॉप्ट द मेथड ऑफ अडॉप्टिंग द करियर एंड द टिप्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स फ्रॉम द टीचर्स एंड द पेरेंट्स। अध्यापकों को भी चाहिए कि वह बच्चों को समय समय पर अपनी क्लासेस में ये पूछें कि उन्होंने क्या बनना है, किस लाइन में जाना है, या उनका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, और उसी सब्जेक्ट में बच्चों को आगे जाने की प्रेरणा दें। अगर बच्चे उसी विषय में आगे जाएंगे तो वह एक अच्छे जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने मनपसंद करियर को अडॉप्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। पेरेंट्स बच्चे फॉलो करना चाहिए,